और ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल आपस में 90 डिग्री पे होता है। वेव अगर राइट जा रही है तो ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल, हम लोग ट्रांसवर्स साइनोसाइडल वेव, ट्रांसवर्स साइनोसाइडल कंटिन्यूअस वेव इन अ स्ट्रिंग डील कर रहे थे, जिसमें हम लोग कंटिन्यूअस वेव की बात करते हैं। एक पार्टिकल अगर लगातार एसएचएम करेगा, इस तरीके से एसएचएम करेगा, फिर रिपीट करेगा और बार बार ऊपर नीचे करेगा, तो एक कंटिन्यूअस वेव प्रोपोगेट होने लगेगी। माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक लाखों पार्टिकल हैं जो ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहे हैं, और ये ऑसिलेशन भी साइनोसाइडल है, मतलब एसएचएम वाला है। अगर हर पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो हम इसको साइनोसाइडल ट्रांसवर्स कंटिन्यूअस मीडियम वेव कह सकते हैं। साइनोसाइडल क्यों? क्योंकि साइन कर्व है। लॉन्ग ट्रांसवर्स क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर है। मीडियम क्यों? क्योंकि पार्टिकल का डिस्टरबेंस हो रहा है, फील्ड का डिस्टरबेंस नहीं है ना। और कंटिन्यूअस वेव है क्योंकि माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक फैली है। तो इस वेव में डिस्कशन का मुद्दा क्या है? ये हर जगह पे जो मैंने ये दिखाया है, ये सब पार्टिकल्स हैं और वो ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहे हैं। तो पार्टिकल के बारे में हम सब कुछ जानना चाहते हैं, जैसे एसएचएम करते हुए पार्टिकल के बारे में हमने एसएचएम में पढ़ा है। क्या क्या? एसएचएम का पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पढ़ते थे, फिर वेलोसिटी एक्सेलरेशन, ये सारी बातें। यहां हम लोग, यहां एक पार्टिकल नहीं है बल्कि माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक बहुत पार्टिकल है। वहां हम डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पढ़ते थे क्योंकि एक ही इनपुट होता था, किस टाइम पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना है। लेकिन क्या बताओ, वेव में एक पार्टिकल है क्या? तो यहां दो इनपुट होंगे, किस एक्स पर, किस टाइम पर पार्टिकल का। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ एसएचएम टाइम के फंक्शन में होता था, और वेव इक्वेशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वो एक्स और दो के फंक्शन में होगा। मैंने पिछली क्लास में यही से एंड किया था। वेव इक्वेशन जब भी हम लिखते हैं, साइनोसाइडल वेव इक्वेशन, तो वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स टी दो इनपुट के साथ होता है। जब हम एसएचएम की डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लिखते हैं तो केवल टी इनपुट होता है, जब हम वेव इक्वेशन लिखते हैं तो फॉर्मूला हमने क्या डिराइव किया था, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस डेल्टा। डेल्टा का वही मतलब है जो एसएचएम में होता था। क्या कोई पार्टिकल अगर मीन से शुरू कर रहा है ऊपर की तरफ तो जीरो, राइट पाई बाय टू है ना, वो सारी बातें हम लोग एसएचएम में डिस्कस कर चुके हैं। ओमेगा वही है जो एसएचएम में पढ़ते थे, फेज कवर होने का रेट, उसका हमने फेज कॉन्सेप्ट भी देखा है। के का फॉर्मूला होता था 2 पाई बाई लेमडा, ये वेव इक्वेशन है। इसके अलावा हमने स्पीड ऑफ वेव का फॉर्मूला पढ़ा था, वी इक्वल टू क्या, न्यू लेमडा। हम चाहें तो इसको ओमेगा बाई के भी ला सकते हैं। इसके अलावा हमने रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड एंड पाथ डिफरेंस पढ़ा था। क्या पढ़ा था? डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स, यानी प्रोपोगेटिंग वेव में कोई भी दो जगहों पे हमें उसकी दूरी पता है डेल्टा एक्स, तो हम उसके फेज का अंतर इसकी मदद से ला सकते हैं। बता, पूरी लेमडा लेंथ में कितना फेज का अंतर होता है? 2 पाई। लेमडा लेंथ में अगर 2 पाई का अंतर होता है तो 1 लेंथ में 2 पाई बाई लेमडा होगा, तो डेल्टा एक्स लेंथ में कितना होगा? उसी से आया था यूनिटरी मेथड से। ये सारी बातें हम लोग पिछली क्लास में कर चुके हैं, बहुत अहम क्लास थी, पूरा वेव इसी पे टिका था जो पिछली क्लास हो चुकी है। तो अगर छोड़ा है तो तुम्हारी जिम्मेदारी थी कि क्लास अटेंड करना चाहिए था, नहीं किया है तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना पड़ेंगे। आगे का सब कुछ डिपेंडेंट होता है पहले पहले पन्ने पे, और वो पहला पन्ना मैंने पिछली क्लास में बहुत बारीकी से हर पॉइंट कवर करते हुए समझाया है, नेवर बिफोर टाइप, मतलब तुमने शायद ही कहीं पढ़ा होगा, वेब को मैंने उस लेवल पे जाके पढ़ाया है। तो बाद में करना, फिर वो लिंक मैं शेयर कर दूंगा जिसको पढ़ना है। राइट मूविंग वेव के लिए अगर ये माइनस होता था तो लेफ्ट मूविंग के लिए प्लस होता था, ठीक है। मैंने प्रॉपर वेव को चला के दिखाया था, मैं यहां पे एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ये एक पल्स है, वेव पल्स है। तुम्हें पता है इस वेव पल्स में इन सब जगहों पे क्या होता है, पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो यहां एक मैंने क्वेश्चन पूछा है, सोचा यार ये एक कंटिन्यूअस
कंटिन्यूअस वेव है, मैंने कुछ पार्टिकल मार्क किए हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल आर ए पार्ट है एट रेस्ट, बी पार्ट है मूविंग अप, सी पार्ट है मूविंग डाउन। हमें वो पार्टिकल मार्क करना है जो रेस्ट पे है, जो अप मूव कर रहे हैं और जो डाउन मूव कर रहे हैं। ठीक है, अगर तुमने विजुलाइज किया है तो थोड़ा सा आइडिया लग सकता है। रेस्ट पे कौन कौन से पार्टिकल हैं? हम लोग ने वेव को चलते हुए देखा है, जनता एक बार फिर से देखेगी। ये मैंने एक वेव पल चला के दिखाई है। वेव में हर पार्टिकल ऊपर नीचे ऑसिलेट करता है, एनर्जी लेफ्ट से राइट जाती है। चलो, मैंने ऐसा ही तो डायग्राम दिखाया है और मैंने यहाँ कुछ पॉइंट्स मार्क किए, ए बी सी डी ई एफ जी ऐसे मार्क किए हैं। तो कौन से पार्टिकल इस वक्त रेस्ट पे होंगे? हाँ, कि जो पार्टिकल मीन से पास हो रहे होते हैं वो रेस्ट पे होते हैं, उनकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है क्योंकि वह एसएचएम करते करते ऑसिलेट कर रहे होते हैं। तो किनकी वेलोसिटी एक पल के लिए जीरो होती है जो एक्सट्रीम पे होते हैं? तो वो कौन से पॉइंट है? सी एंड जी रेस्ट पे हैं। कौन से अप मूविंग है? कौन से अप मूविंग है? तो देखो, ऐसा है कि अप मूविंग अगर देखना है, उसका एक तरीका है कि हम इस वेव का अगला फोटोग्राफ बना देते हैं। ये वेव का कुछ पल के बाद वाला फोटो है। क्या पता यार, वेव का फोटो क्यों बदलता है? क्योंकि पार्टिकल अपने आप को ऊपर नीचे करते हैं। तो सोचो यार, ये अगर अगले पल का फोटो है तो ए को कहां जाना पड़ेगा? ऊपर। बी को कहां जाना पड़ेगा? सी को भी ऊपर जाना पड़ेगा, हालांकि उस वक्त वो रेस्ट पे है इसलिए सी को हटा देते हैं। डी को कहां जाना पड़ेगा? क्या पार्टिकल ही तो वेव का चेहरा बनाते हैं? ई को कहां जाना पड़ेगा? एफ को कहां जाना पड़ेगा? नीचे। जी को भी नीचे आना पड़ेगा, बट जी रेस्ट पे है इसलिए उसकी चर्चा नहीं करते हैं। एच को कहां जाना पड़ेगा? आई को कहां जाना पड़ेगा? क्या यही पार्टिकल ऊपर नीचे एडजस्ट करके वेव का नया चेहरा बनाते हैं? तो कौन कौन से अप मूविंग मिले हैं? हाँ, बी। अच्छा, ये मुझे बताना पड़ेगा, राइट मूविंग है तभी। कौन कौन सा? बी, ए बी एच आई, ये क्या है? अप मूविंग है। डाउन मूविंग कौन कौन से हैं? डी ई एफ डाउन मूविंग है। क्या अगला फोटो बना के हम ये कर सकते हैं? अच्छा, ये अगर राइट मूविंग के बजाय लेफ्ट मूविंग वेव होती तो उल्टा हो जाता, फिर अगला फोटो हम बनाते तो उल्टा हो जाता। क्या अगला फोटो बना के हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कौन से अप मूविंग है और कौन से डाउन मूविंग है? क्या जनता समझ गई है? चलो, क्वेश्चन नोट करना चाहेंगे। ई कैसा है? डाउन मूविंग है। अच्छा बताओ, मैं तुमसे पूछूं, ए और ई के बीच में कितना फेज डिफरेंस है? पाई का, क्योंकि एक अप मूविंग है तो दूसरा, दोनों मीन पे हैं, एक अप मूविंग है और एक डाउन मूविंग है। ए और आई में कितना फेज डिफरेंस है? 2 पाई का, क्योंकि लैम्डा का अंतर है, दोनों अप मूविंग है। जो कुछ ये आई भविष्य में करने वाला है वही ए करने वाला है अगर रिपीट करेगा। एक वेव पल्स के बाद चीजें रिपीट होने लगती हैं। ए और ई में कितना पार्ट डिफरेंस है? लैम्डा बाई 2 का। खैर, ये सारी चीजें हमें नजर आ रही हैं। चलो,
मैं एक डायग्राम फिर बदलता हूं, देखें कितने लोग अब आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। ये लेफ्ट मूविंग वेव है और मैंने कुछ पार्टिकल बनाए हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है। क्वेश्चन वही है, विच ऑफ द पार्टिकल आर एट, पहला है रेस्ट, दूसरा है अप मूविंग, तीसरा है डाउन मूविंग। लेकिन इस बार लेफ्ट मूविंग वेव है, हाँ भाई रेस्ट कौन कौन है? रेस्ट में तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो पार्टिकल एक्सट्रीम पे होते हैं वो रेस्ट पे होते हैं, सी एंड जी, सबने लिख लिया है, ठीक है। अप मूविंग डाउन मूविंग, कैसे पता किया? अगला फोटो बनाया क्या तुमने? बना लो, बनाई लो, ऐसे क्या? अगर ये लेफ्ट मूविंग वेव है तो अभी ये चेहरा ऐसा है, थोड़ी देर बाद ये चेहरा ऐसे होने वाला है, बनाने में क्या शर्म है? तो गलत है, ए को ऊपर मूव करना पड़ेगा, बी को ऊपर मूव करना पड़ेगा, एच को ऊपर और आई को ऊपर मूव करना पड़ेगा। यानी कौन कौन अप मूविंग है? ए बी एच आई जो पहले थे, और कौन कौन से डाउन मूविंग है? सी डी, सी रेस्ट पे काउंट कर लिया तो उसको मत करो, डी ई एफ देख ले आराम से। क्लियर है? चलो हम लोग, मैं यहाँ कुछ डायग्राम दे रहा हूँ, बस ऊपर ऊपर के, नीचे वाला नहीं करना है, ऊपर ऊपर के सिंपल बातें करना है, बहुत ज़्यादा। मैंने यहाँ पर एक कंटिन्यूअस वेव दिखाई है, तुम कहोगे मुझे एक पल्स नज़र आ रही है, इसके आगे भी वेव है, इसके पीछे भी वेव है, बट इतनी बड़ी वेव बना नहीं सकते, तो मैंने एक रेफरेंस पर छोटा सा स्क्रीनशॉट दिखाया है। इस स्क्रीनशॉट में ये फोटो t बराबर 0 पे लिया गया है, किस पे लिया गया है? t बराबर 0 पे। और अगर मैंने इसको एक्स वाई एक्सिस दिखाया है तो ये पॉइंट x बराबर 0 वाला है, t बराबर 0 पर ये फोटो लिए गए हैं सारे, और x बराबर 0 वाले पार्टिकल की स्थिति तुम्हें नजर आ रही है। मुझे बताओ x बराबर 0 वाले पार्टिकल का फेज इस वक्त कितना है? पाई बाय 2, इसी को डेल्टा बोलते हैं। देखो इस फॉर्मूले में टी जीरो डाल दो, एक्स जीरो डाल दो, तो बचता क्या है? डेल्टा, वही उसका क्या है? फेज है। तो बता इस वेव का डेल्टा कितना है? अगर ये टी बराबर जीरो का डायग्राम है तो एक्स बराबर जीरो वाले का फेज पाई बाय 2 है, इस डायग्राम में 3π/2, ऊपर जाके नीचे आ चुका है 3π/2, इस वाले का और इस वाले का, मैं तीनों डायग्राम चारों डायग्राम यहां बना देता हूं ताकि किसी को किसी तरह का कंफ्यूजन ना रहे। एक ये है, एक ये है, इसके आगे पीछे सब वेव है, वो मैंने दिखाया नहीं, कंटिन्यूअस वेव है, और एक में मैंने दिखाया है ऐसा, और एक में मैंने दिखाया है सब राइट मूविंग है, सब राइट मूविंग वेव है, एक में मैंने दिखाया ऐसा, ये ओरिजिन पे है, ठीक है। चलो
तुमने कहा इसका डेल्टा पाई बाय टू है एक्सपेक्टेड एक्सेप्टेड, इसका डेल्टा एक्सट्रीम डाउन है थ्री पाई बाय टू, कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसका डेल्टा कितना, इसका डेल्टा कितना, वही मैं पूछ रहा हूं। जस्ट मिनट, एक लेफ्ट मूविंग है, सॉरी एक लेफ्ट मूविंग एक राइट मूविंग है। चलो पहले वाले का, इसका अगला फोटो बनाते हैं। बताओ ये पार्टिकल इस वक्त अप मूविंग है डाउन मूविंग है, डाउन मूविंग है, तो इसका डेल्टा पाई है। इसका अगला फोटो बनाते हैं, बताओ ये पार्टिकल इसका डेल्टा कितना है, जीरो, अंतर है, देखने में एक जैसे हैं, बट केवल इस बात से डेल्टा बदल जाएगा कि ये राइट मूविंग है या। चलो अब मैं क्या कर रहा हूं, डेल्टा बदलने के बाद इसकी इक्वेशन लिख रहा हूं, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई बाय टू। पता है इक्वेशन क्या बन गई, ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। चलो यहां मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थ्री पाई बाय टू। साइन थ्री पाई बाय टू प्लस समथिंग कॉस समथिंग होता है, और थ्री पाई बाय टू प्लस समथिंग वाले क्वाड्रेंट यानी चौथे क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ये सब बातें ट्रिग्नोमेट्री में कभी बताई गई हैं। जब पाई रख देंगे, बताओ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई, साइन पाई प्लस समथिंग, साइन ही समथिंग रहता है, मगर क्या बताओ सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, वही रहेगा, पॉजिटिव रहता है ना, श्योर सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है। चलो ठीक है वही रहेगा ओमेगा टी माइनस के एक्स, पक्का साइन पाई प्लस समथिंग, साइन पाई प्लस समथिंग सेकेंड क्वाड्रेंट, साइन वही रहता है। ओके यहां बताया इसकी इक्वेशन क्या होगी, ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ये पहली बार आने वाला है, और डेल्टा कितना, जीरो। तुम देख रहे हो यार वेव इक्वेशन का जनरल फॉर्मेट मैंने ये लिखा था, और डेल्टा बदल देने से वेव के लुक भी बदल जाते हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूं, जनरली बहुत कम चांसेस हैं ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएं, लेकिन फिर भी डेल्टा को लेके अगर तुम्हें ये डिसाइड करना आता है तो सिंपल क्वेश्चन ऐसा बनाया जा सकता है। मगर तुमने कई किताबों में देखा होगा कि यार पूरी वेव इक्वेशन इस फंक्शन से शुरू किए तो लास्ट तक यही फंक्शन लिखा रहता है, कई जगह ये लिखा रहता है, अलग अलग किताबें अलग अलग वेव इक्वेशन दे रही हैं, तो कंफ्यूजन ये होता है कि वेव इक्वेशन एक्चुअली क्या है। तो मैंने तुम्हें जनरल फॉर्म से शुरुआत करी, ये जनरल फॉर्म है और ये डेल्टा रखने के बाद बदल जाता है। डेल्टा क्या है, तो टी बराबर जीरो पे हमने रेफरेंस वेव कहां देखी उसके हिसाब से वेव इक्वेशन बदल सकती है। अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया जाता है, गलत कुछ भी नहीं है, बट हमें सब समझ में आना चाहिए कि क्यों अलग अलग दिया है, क्योंकि उसने अपना रेफरेंस डायग्राम कुछ अलग सोचा है। रेफरेंस डायग्राम का मतलब क्या है, टी बराबर जीरो पर एक्स बराबर जीरो वाला पार्टिकल का फेज, टी बराबर जीरो पे एक्स बराबर जीरो उसका फेज तय होगा तो वेव की इक्वेशन का लुक भी बदल जाएगा। यार साइन पाई प्लस समथिंग नेगेटिव होता है, वही मैं सोच रहा हूं। थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, सेकेंड थोड़ी हो गया, पाई प्लस समथिंग सेकेंड हो गया, और ये माइनस आ गया है, हम चाहे तो ये माइनस साइन के अंदर ले जा सकते हैं क्योंकि साइन के लिए रूल है, तो बताइए क्या बन जाएगा के एक्स माइनस। एक आध किताब है जिसमें पूरी पूरा वेव इक्वेशन इसी इक्वेशन से बनाया गया, पूरा वेव टॉपिक इसी इक्वेशन से बनाया गया। एक आध किताब एस सी वर्मा में ओमेगा टी माइनस के एक्स से पूरा टॉपिक आगे बढ़ाया गया है। अरे यार ये साइन का कॉस हो चुका है, ये भी गलत लिखा है। ओके यहां पे कॉस हो गया, ठीक है, यहां तो ओमेगा टी प्लस के एक्स हुआ है। हाँ
तो एससी वर्मा में साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स से शुरू किया गया, पूरी वेव इक्वेशन पूरा टॉपिक इसी से खत्म हो गया है। एक जीसी अग्रवाल करके आती थी, अब पता नहीं किस नाम से आती, उसमें पूरी वेव इक्वेशन इस टॉपिक इससे शुरू की है और आखिरी तक यही यूज किया है। तो एक्चुअली ये भी सही है, ये भी सही है, सब सही है। ये सारा क्यों बदल जाता है वेव इक्वेशन, हमने टी बराबर जीरो पे अपना फोटो कहां देखा है? चलो अब हम लोग रेगुलर बातों पे आते हैं जो फ्रीक्वेंट हैं और जो ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिस तरह के। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंट हैं, ये करके दिखाना है तो बहुत क्लैरिटी आएगी। देखा जाए तो क्वेश्चन यही पूछे जाएंगे, पिछली क्लास में जो मैंने क्लैरिटी दी है वो केवल कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दी है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ले, हो सकता है इतने से ही तुम्हारा काम चल जाए। पहले तो मुझे बताओ ये वेव राइट मूविंग है या लेफ्ट मूविंग? तो दिखा ही रहा है राइट मूविंग, तो पूछने की जरूरत ही नहीं है। ये जो क्वेश्चन है ये सबको बताना है। हाँ एमएम है, और बाकी सब मीटर है। सब मीटर है। एक्चुअली जब धागे में वेव उठती है तो जल्दी एम्पलीट्यूड बहुत कम ही होता है, उसी के लिए ये सारी इक्वेशन काम करती है।
तो चलो शुरू करते हैं। एम्पलीट्यूड ए कितना हो गया? चलो यार सबने ये तो कर ही लिया कम से कम। फ्रीक्वेंसी कहाँ नजर आ रही है पूरे डायग्राम में? वेलोसिटी नजर आ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड। और क्या नजर आ रहा है? वेवलेंथ नजर आ रहा है। वेवलेंथ कितना है बताएं? वेवलेंथ कितना है? 8 मीटर। यहां से यहां तक, यहां से यहां तक कितना है? 8 मीटर है। लैम्डा कितना है? 8 मीटर। ठीक है, वैसे वेवलेंथ भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, लैम्डा आ गया। हमें लाना है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कैसे आएगी? वी इक्वल टू न्यू लैम्डा से फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। वी है 5, लैम्डा है 8, तो ये 5/8 हर्ट्ज आ गया। फ्रीक्वेंसी आ गई है तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 8/5 यानी 1.6 सेकेंड। अगला क्वेश्चन है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, मतलब इसका सिंबल क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का सिंबल है ओमेगा। ओमेगा कैसे आएगा यार? हाँ, 2π/T से ला सकते हैं या 2π × फ्रीक्वेंसी से ला सकते हैं। तो आएगा 10π/8, 5π/4 रेडियन पर सेकेंड। कितनों कर लिया है? आगे बढ़े। एंगुलर वेव नंबर के चाहिए। के कितना होता है? 2π/λ, लैम्डा है 8, π/4 मीटर इनवर्स। ये 2π/λ है, पाई की यूनिट लिखने की जरूरत नहीं, हम मीटर इनवर्स लिख सकते हैं या रेडियन पर मीटर लिख सकते हैं। इसको मीटर इनवर्स या इसको रेडियन पर मीटर भी लिख सकते हैं। इसके बाद मैंने पूछा है वेव इक्वेशन क्या होगी? वेव इक्वेशन किसने किसने लिख लिया? ये राइट मूविंग है, लेफ्ट मूविंग है, और राइट मूविंग में प्लस आता है माइनस बीच में। डेल्टा कितना है? तो वेव इक्वेशन हमने पढ़ी है, ये लिखी है y बराबर a साइन a दैट इज 2 mm साइन ओमेगा
ओमेगा कितना है? 5 पाई बाय 4 टी ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस डेल्टा, यही तो होता है। तो हमें बस यही फिल करना है जो वेरिएबल के अलावा है, तो वे इक्वेशन बन जाएगी। के कितना आया है हमारा? पाई बाई 4। हाँ मिलीमीटर में, ऐसा है ना कि ये अलग से हमने एमएम लिख दिया है, तो जिस यूनिट में ये होगा उसी यूनिट में वाई होगा। कर सकते हैं साइन के अंदर की यूनिट अलग, बाहर की अलग कर सकते हैं। वैसे भी साइन टर्म के ओवरऑल यूनिट होती ही नहीं है ना। हाँ भाई, 5 पाई बाई 4 टी के एक्स प्लस डेल्टा, डेल्टा कितना है क्या बताओ? डेल्टा का मतलब होता है टी बराबर जीरो पर, जिसका जब का ये फोटो दिया गया है, ये टी बराबर जीरो का फोटो है, एक्स बराबर जीरो वाले पार्टिकल का फेज वो कितना है? पाई बाई 2। तो तुम इसको क्या लिख सकते हो? 2 mm cos 5 पाई बाई 4 टी माइनस पाई बाई 4 एक्स, ये इक्वेशन बन गई। क्लियर है भाई? देखो यार, मैंने तुमसे उल्टा काम कराया है, अक्सर सीधा काम कराया जाता है। सीधा काम क्या? तुम्हें यार डायग्राम देके तुमसे वेव इक्वेशन निकलवाई है, डायग्राम देके ये सारे पैरामीटर पूछे हैं। अगर तुम्हें इक्वेशन दी हो तो क्या उससे भी तो सारे पैरामीटर निकाले जा सकते हैं क्या? अभी हम सीधी बात करें, तो इस बार मैंने वेव इक्वेशन तुम्हें दे रखी है, ठीक है, और मैं ये सारे क्वेश्चंस जानना चाहता हूं। हाँ, ये 2 पाई और फिर ब्रैकेट के अंदर 50 टी माइनस 2 एक्स। अच्छा, ये क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो ये ऐसे लिखा होगा, सेकेंड इनवर्स ऐसे लिखा रहता है। माइनस मैंने यहां क्या लिखा है? 2, ऐसे लिखा रहता है। ये तुम ऐसे समझ सकते हो, साइन के अंदर कोई भी चीज होती है उसकी कोई यूनिट नहीं होती, वो एंगल होता है, एंगल होता है। तो देखो टाइम सेकेंड है और ये सेकेंड इनवर्स की यूनिट की चीज है, तो वो खत्म हो गया। एक्स मीटर की यूनिट का होता है, ये मीटर इनवर्स का है, तो वो खत्म हो गया। चलो मैं एक बता देता हूँ, लोग घबरा रहे होंगे। एम्पलीट्यूड 3 mm है, कितने लोगों ने कर लिया है? कर लिया था, वेरी गुड, मतलब कोई घबराहट नहीं हुई है, तो आगे भी कर सकते हैं। इसीलिए मैंने ऐसा कंफ्यूजिंग काम किया है तो लोग कंफ्यूज हों। मुझे बताओ टाइम के बगल में कितना लिखा है? टी के बगल में क्या लिखा है? 50। आर यू श्योर? 50 इंटू 2 पाई, क्यों? 2 पाई अगर बाहर ब्रैकेट में निकला है तो वो दोनों से मल्टीप्लाइड है ना। तुम समझे मैं क्या कह रहा हूं? क्या समझे? हाँ, 50 इंटू 2 पाई किसके बराबर लिखा है?
ओमेगा के, यस। यानी यार ओमेगा यहां पर क्या है, ये नहीं 2π × 50, वो किसके बराबर है, ओमेगा के। और के क्या है, 2π × t, वो क्या है, के। पहले तो ये क्लियर करें। तो मेरा क्वेश्चन क्या था, फ्रीक्वेंसी बताना था। बताओ फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे, ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2π 2π खत्म। देखा जाए तो ये फ्रीक्वेंसी लिखा था, अगर तुम सीधे समझ पा रहे हो तो, क्योंकि 2π ले लिया तो फ्रीक्वेंसी बचा, तो फ्रीक्वेंसी आ गया 50 हर्ट्ज। कितने लोगों ने कर लिया यार, तो टाइम पीरियड कितना हो गया, ठीक है। के बराबर क्या होता है, तो लैम्डा कितना आ गया, लैम्डा आ गया 1/2, यानी कितना 0.5 मीटर। लैम्डा पूछा नहीं था, चलो मैं पूछ लेता हूं। मैंने क्या पूछा है, फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड, लैम्डा पूछा ही नहीं, चलो के पूछा है, तो के तो आ ही गया यार। अरे सी पार्ट पे डी पार्ट क्या पूछा है, एंगुलर वेव नंबर, तो आ गया यार के बराबर कितना। अगर लैम्डा पूछा होता तो लैम्डा भी निकाल लेते, ये लैम्डा एक्स्ट्रा मैंने बता दिया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। फेज एट t = 0, x = 0, पता है साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स के बगल में क्या लिखा है, कुछ नहीं, तो डेल्टा कितना हो गया 0। तो हम लोगों ने डायग्राम से पैरामीटर निकालना सीख लिया, अब इक्वेशन से भी पैरामीटर निकालना सीख लिया। कोई दिक्कत है भाई, हटा दे। हम लोग यार सबसे पहले अभी तक डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लिखना सीखा है, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस समथिंग, वो आमतौर पे ज्यादातर किताबों में 0 ही ले लिया जाता है, बट मैं जनरल बात कर रहा हूँ डेल्टा, ऐसा डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है। हम लोगों ने SHM में भी बात डिस्प्लेसमेंट से शुरू करी थी, और डिस्प्लेसमेंट की मदद से क्या क्या लाया था, वेलोसिटी। अगर हम इसका डिफ्रेंसिएशन कर दें तो वी आ जाएगा, क्या आएगा, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस डेल्टा। अरे ये सारी बातें हम SHM में कर चुके हैं ना, तो बस अब मैं तुम बस रिकॉल करो, बल्कि नोट भी करने की जरूरत नहीं है। वी वी इक्वल टू होता है dy/dt, बराबर क्या आएगा, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस समथिंग, फिर अंदर का करोगे तो एक ओमेगा, तो आएगा ए ओमेगा कॉस समथिंग, याद है। फिर हमने कॉस को √1 − sin² लिखा था, और साइन की जगह y/a लिखा था, तो एक और लुक आया था। ये टाइम का फंक्शन है और ये डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है। डिस्प्लेसमेंट क्योंकि ऊपर नीचे हो रहा है इसलिए y लिखा है, वहां x लिखा जाता था। क्या अंतर समझ पा रहे, वही है सब कुछ, कुछ अंतर है ही नहीं। एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला तुमने क्या पढ़ा था, इसके डबल डिफरेंशिएशन से आता था, क्या आया था, नहीं। अब अगर साइन समथिंग की जगह y/a लिख दोगे तो पता है ये क्या बन जाएगा, −y/ω², ये भी पढ़ा है। काइनेटिक एनर्जी क्या पढ़ा है, तो v का ये फॉर्मूला उठा के रख दिया था, तो काइनेटिक एनर्जी ये बन गया था। ये सारी बातें बस x की जगह y है, सारे फॉर्मूले SHM वाले ही हैं और वो हम पढ़ चुके हैं, तो हमें कुछ नया याद रखने की जरूरत है ही नहीं। SHM वाले में टाइम इनपुट होता था, वेव वाले में टाइम और x
दो इनपुट है, क्यों? टाइम पर किस एक्स वाले पार्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं, दो इनपुट देना ही पड़ेंगे, बात क्लियर है। लेकिन पोटेंशियल जी का डिस्कशन थोड़ा अलग है, जब हम SHM पढ़ते थे तो एक स्प्रिंग मास सिस्टम या कोई ग्रेविटी मास सिस्टम, यानी कोई एक सोर्स होता था जो उसको SHM कराता था, या तो स्प्रिंग के इफेक्ट में, या तो ग्रेविटी के इफेक्ट में, या तो फ्लूड के इफेक्ट में, तो ब्लॉक ऑसिलेट करता था, उसकी एनर्जी स्टोर होती थी सोर्स पे, यानी ये ब्लॉक आगे पीछे ऑसिलेट कर रहा है तो एनर्जी उसकी कहां है, आई मीन काइनेटिक एनर्जी ब्लॉक के पास है, लेकिन पोटेंशियल जी किसके पास है, स्प्रिंग के पास है। अगर फ्लूड में ऊपर नीचे SHM हो रहा है तो वो एनर्जी फ्लूड के पास है, ग्रेविटी में हो रहा है तो वो एनर्जी, कुल मिलाकर एनर्जी पार्टिकल के पास स्टोर नहीं होती थी, सोर्स के पास स्टोर होती थी। क्या ये बात जनता समझ पा रही? यानी वो जो हम हाफ के एक्स स्क्वायर लिखते थे वो पार्टिकल की पोटेंशियल जी नहीं होती थी, किसकी होती थी? नहीं। अब जब मैं कह रहा हूं कि ये धागा ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है तो ये छोटा सा पोर्शन, ये छोटा सा पोर्शन एक पार्टिकल जैसा है, अगर मैं इस कॉन्टेक्स्ट में बात करूं कि मास ऑसिलेट कर रहा है उसकी एनर्जी स्प्रिंग ने रखी, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं ये पार्टिकल ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है उसकी एनर्जी अगल बगल वाली पूरी सराउंडिंग ने रखी है। नहीं, बट वो फैशन यहां नहीं चलता है। यहां जब वेव में कही जाती है कि किसी सेगमेंट की पोटेंशियल जी कितनी है तो हम उसकी एनर्जी उसी के अंदर स्टोर हुई होगी वो बात करते हैं। क्या मैंने जब तुम्हें चलता हुआ वेव दिखाया तो दिखाया कहीं कहीं पार्टिकल दूर दूर हो गए हैं, कहीं कहीं पास पास हो गए हैं, यानी वहां स्ट्रेचिंग हुई है। जब भी कोई धागा स्ट्रेच होता है तो उसमें इलास्टिक एनर्जी स्टोर होती है। वो इलास्टिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने पिछली क्लास में पढ़ा है इलास्टिसिटी में, वो होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, और एक्स का मतलब क्या है, के का मतलब होता था वाई ए बाई एल, और डेल्टा एक्स का मतलब उसमें कितना खिंचाव हुआ है। सोचो ये धागा पहले सीधा हुआ करता था जब तक उससे वेव ट्रेवल नहीं करी है। क्या जब ये वेव ट्रेवल करने लगी तो जो पोर्शन इतनी जगह पे आता था वो पोर्शन इतनी जगह लेने लगा कि नहीं? यानी ये पोर्शन जब वेव नहीं थी तब छोटा था, जब वेव चल रही है तब वो खिंच गया। अच्छा, ये वाला पोर्शन उतना ही रहा, एकदम टॉप वाला पोर्शन। अच्छा, सबसे ज्यादा खिंचाव कहां हुआ होगा? अगर तुम ये कंपैरिजन करोगे ना तो तुम्हें समझ में आएगा सबसे ज्यादा खिंचाव कहां हुआ होगा। यानी ये डेल्टा एक्स सबसे ज्यादा कहां होगा? डेल्टा एक्स इज मिनिमम कहां? एट एक्सट्रीम सेगमेंट। देखो यार, तुम्हें दिख रहा है ना यहां पे, क्या ये सेगमेंट जितनी लंबाई का था अभी भी, लेकिन ये सेगमेंट जितनी लंबाई का था उससे ज्यादा खिंच गया है, ये सेगमेंट जितनी लंबाई का था वेव चलने से पहले, वेव चलने के दौरान उससे, है ना? डेल्टा एक्स इज मैक्सिमम एट सेगमेंट, एट मीन सेगमेंट। क्या ये सबको नजर आ रहा है? अब इसमें बड़ा विरोधाभास है। तुमने यार जब SHM पढ़ा था तो पोटेंशियल जी का फॉर्मूला पढ़ा था हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, यानी जिसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा उसका यू ज्यादा। जरा बताओ, यहां पर जिसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा उसका यू सबसे, जिसका डिस्प्लेसमेंट कम है उसका यू, यानी मैं कह सकता यार दिस इंप्लाइज पी इज मैक्सिमम एट मिनिमम एट एक्सट्रीम एंड मैक्सिमम एट मीन। ये थोड़ा उल्टा है,
बाकी हर चीज बिल्कुल पहले जैसी है। क्या काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में कोई अंतर है क्या? नहीं। यानी अगर कोई मुझे काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होती है, तो जिसका वाई जीरो होता है, मतलब वो जो मीन पे होता है, तो ये तो एसएच में भी होता था। यानी इतनी कहानी में कोई ट्विस्ट नहीं है, केवल किस कहानी में ट्विस्ट है? पोटेंशियल जी की कहानी में। तो ये बातें मैंने ऐसी समझाई है, इसमें और डिटेल मैथमेटिक्स है जिससे हमें कोई लेने देना नहीं, इतना ही समझ में आ जाए बहुत है। ये बात मैंने चलते हुए डायग्राम में तुम्हें दिखाने की कोशिश करी थी एक बार जनता की मांग पे, फिर से जनता मांगे ना मांगे मैं अपना दिखाता रहता हूं। देखो जरा, तुम्हें ये चीज नजर आएगी कि पार्टिकल सबसे पास कहां है और सबसे दूर कहां है, सबसे ज्यादा खिंचाव कहां है। क्या तुम्हें नजर आ रहा है सबसे ज्यादा खिंचाव कहां है और सबसे कम खिंचाव कहां है? सबसे ज्यादा खिंचाव इस सेगमेंट में है कि नहीं है, और सबसे कम खिंचाव पास में रहा है। तो जहां खिंचाव ज्यादा उस सेगमेंट पे एनर्जी स्टोर्ड भी ज्यादा, इलास्टिक एनर्जी खिंचाव से रिलेटेड है। ये डिस्कशन एसएचएम में नहीं किया जा सकता क्योंकि एसएचएम में उसकी एनर्जी वो खुद नहीं रखता है। नोट कर लिया भाई लोग, हम लोग अभी तक केबल और केबल साइनोसाइडल कंटिन्यूअस वेव पढ़ रहे थे। अभी हम लोग थोड़ा जनरल थॉट दिमाग में लाते हैं। जनरल थॉट क्या है कि सोचो कि धागे में एक डिस्टरबेंस आया है, ये धागा था, धागे में एक डिस्टरबेंस आया है, किसी खास तरह का डिस्टरबेंस है। चलो मैंने ऐसे बना दिया, ये धागे में आया हुआ एक डिस्टरबेंस है, ठीक है, ये पूरा धागा है और धागे में ऐसा कोई एक डिस्टरबेंस आया है, एक पल्स आई है। क्या बताओ, अगर ये पल्स रुकी है ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि अगर हम कोई लहर पैदा करते हैं तो वो या तो राइट जाती है या तो जहां से लहर जनरेट हुई उसके अपोजिट जाती है। तो एक चलती हुई पल्स है। क्या ये जो शेप है, ये शेप धीरे धीरे आगे वाले पार्टिकल को मिलता जाएगा, थोड़ी देर में ये स्ट्रक्चर थोड़ा तुम्हें आगे देखने को मिलेगा अगर ये राइट मूविंग वेव है। अगर लेफ्ट मूविंग होती तो ये डिस्टर्बेंस कैसा भी हो सकता है। मैंने एक पल्स जनरेट कराई है, वो एक कंटिन्यूअस वेव भी हो सकती है। नहीं, मैंने ये डायग्राम t बराबर जीरो पे दिखाया है और इस डायग्राम का एक फंक्शन है, क्या है, एफ एक्स। जैसे मैं कह दूं कोई x से रिलेशन, यानी हर स्ट्रक्चर का कोई फंक्शन होता है कि नहीं, हर शेप का कोई फंक्शन होता है। जैसे हमने फंक्शन पढ़ा है y बराबर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर एक शेप है कि नहीं है, ये भी एक शेप है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ये फंक्शन है 1/2 + x², मतलब जैसे जैसे x बढ़ेगा तो नीचे की चीज बढ़ेगी तो इसकी हाइट कम होगी, जैसे x निगेटिव में बढ़ेगा तो भी हाइट कम होगी, ऐसा कुछ फंक्शन है। जैसे एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूं, क्या ये फंक्शन y एज ए फंक्शन ऑफ x तब तक है जब तक टाइम इसमें इनपुट नहीं कराया है। अब मैं कह रहा हूं कि टाइम के साथ क्या ये बदलेगा कि नहीं है, टाइम के साथ ये बदलेगा। जब तक ये x में है तब तक ये शेप का फंक्शन का फॉर्मूला है,
फंक्शन की इक्वेशन है, और अगर मैं कहूं टी टाइम बाद इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, दो इनपुट इसमें आ जाए तो ये किसकी इक्वेशन बन जाएगी, वेव की। देखा मैथ्स में एक चीज पढ़ते हैं हम लोग कि कोई फंक्शन अगर राइट शिफ्ट कर दिया जाए तो वो फंक्शन एफ ऑफ एक्स माइनस ए हो जाता है जितना हमने उसको क्या खिसकाया है, राइट। ठीक है, क्यों हो जाता है उसकी डिटेल में नहीं जाते हैं। मुझे बताओ अगर ये वी की स्पीड से चल रहा है तो टी टाइम बाद ये कितना आगे बढ़ जाएगा, वी टी आगे बढ़ जाएगा जिसको मैंने ए लिखा है, तो कितना आगे बढ़ गया, वी टी। तो ये फंक्शन क्या बन गया, एफ ऑफ एक्स माइनस वी टी। अगर ये राइट मूविंग है, अगर राइट मूविंग पल्स है तो ये क्या बन जाएगा, अगर ये लेफ्ट मूविंग पल्स होती तब क्या हो जाता, प्लस वी टी। कुल मिला के एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस वी टी का लुक, ऐसा लुक वेव इक्वेशन को, प्रोपोगेटिंग वेव इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये जो लुक है ये प्रोपोगेटिंग वेव इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो क्या जो अभी हम एसएचएम वाली इक्वेशन पढ़ रहे थे वो भी इस लुक में लिखी जा सकती है, बिल्कुल। हमने अपनी इक्वेशन क्या लिखी थी, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस डेल्टा। मैं इस पूरे फॉर्मूले में से के कॉमन ले लूं, क्या कॉमन ले लूं, के, तो ये बन जाएगा ओमेगा बाई के इंटू टी माइनस एक्स प्लस समथिंग। ओमेगा बाई के क्या होता है, वी। तो क्या ये वी टी माइनस एक्स वाला लुक है कि नहीं है, मैं इससे माइनस कॉमन ले लेता हूं, साइन के अंदर ये किया जा सकता है, तो ये बन जाएगा क्या, एक्स माइनस वी टी प्लस समथिंग लुक। मतलब ये एक जनरल डिस्कशन चल रहा है और ये इक्वेशन उस जनरल रूल को फॉलो कर रही है, ऐसा लुक अगर आएगा तो वो वेव इक्वेशन होगी। क्या जनता समझ पा रही है। इसी तरह से अगर मैं कहता हूं कि y बराबर एफ टी किसी पार्टिकल के ऑसिलेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, एफ टी का मतलब SHM जैसा कोई ऑसिलेशन है, कोई दूसरा ऑसिलेशन भी हो सकता है, और ये ऑसिलेशन धीरे धीरे आगे वाले पार्टिकल को मिलता जा रहा है, तो इसका इक्वेशन एक्स टी इनपुट में, यानी यहां से एक्स आगे वाले पार्टिकल का भविष्य होगा एफ ऑफ टी माइनस एक्स बाई बी। एक्स बाई बी क्या है अभी मैं समझाऊंगा, मतलब जो ऑसिलेशन इस पार्टिकल का एक्स बराबर जीरो पे है वही ऑसिलेशन थोड़ी देर बाद आगे वाले का होता है कि नहीं, जैसा जैसा पीछे वाला करता है वैसा वैसा, कितने समय बाद तो टी बराबर टी नॉट समय बाद, और वो होगा एक्स अपॉन बी। समय बराबर क्या होता है, दो ही बटे, यानी एक्स चलने में उस लहर को इतना समय लगेगा। तो अगर इस ऑसिलेशन की इक्वेशन एफ टी थी तो जनरल ऑसिलेशन की इक्वेशन क्या बन जाएगी, टी माइनस टी नॉट, जहां टी नॉट को मैं क्या लिख रहा हूं, एक्स बाई बी। मतलब अगर राइट मूविंग है तो ऐसा, लेफ्ट मूविंग होता तो एफ ऑफ टी प्लस एक्स बाई, कुल मिला के कोई भी लुक ऐसा वाई ऑफ एक्स टी, किस लुक में, एफ ऑफ टी प्लस माइनस एक्स बाई बी। ये भी क्या है, प्रोपोगेटिंग वेव, ये भी प्रोपोगेटिंग वेव इक्वेशन, और ये भी। तो क्या जो हम अभी थोड़ी देर पहले साइनसॉइडल वेव पढ़ रहे थे, क्या उसको इस रूप में लिखा जा सकता है, क्या पढ़ा हमने, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस डेल्टा। जरा इससे ओमेगा कॉमन ले लो, ओमेगा कॉमन ले लो, तो ये टी माइनस के बाई ओमेगा एक्स प्लस समथिंग आएगा। के मैं नीचे लिख दूं, ऐसे लिख दूं, कोई दिक्कत क्या, ओमेगा बाई के को हम क्या लिख सकते हैं, बी। तो ये बन गया ए साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई बी। क्या ये उसी लूप में आ गया कि नहीं, अरे राइट मूविंग है तो माइनस आया है, लेफ्ट मूविंग होता तो। कुल मिला के मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अब साइनोसाइडल अकेले नहीं रह गया है, तुम्हें अगर कभी कोई फंक्शन साइन के अलावा भी देखने को मिल जाए इस रूप में, जैसे मैं कह दूं y बराबर वन अपॉन a प्लस टी नॉट प्लस टी माइनस एक्स बाई बी स्क्वायर या x बाई टू स्क्वायर, ये प्रोपोगेटिंग वेव इक्वेशन है,
ये साइनसॉइड लेके आया नहीं, लेकिन क्या इसके लूप में टी माइनस एक्स बाई वी आया है कि नहीं, ये वेव इक्वेशन है। अगर मैं यहां ऐसे लिख दू वाई ऑफ एक्स टी वन अपॉन टू प्लस एक्स माइनस थ्री टी स्क्वायर, ये क्या साइनसॉइड लेके आया? कहां साइन लिखा है? हाँ, इस फॉर्म में है, एक्स टी है इसमें। क्या ये साइन फंक्शन है? तो ये साइनोसाइडल वेव नहीं है, लेकिन ये प्रोपोगेटिंग वेव है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि एक्स माइनस वी टी लुक में है। क्या जनता समझ पा रही है? तो हर वो वेव जो इस लुक में या उस लुक में लिखी जा सकती है, ये उसका एग्जाम्पल है। और ये मैंने एक और एग्जाम्पल दिया है, किस लुक में? इस लुक में या इस लुक में लिखी जा सकती है, वो प्रोपोगेटिंग वेव इक्वेशन हो सकती है, गारंटीड अभी नहीं है। इसमें एक और कंडीशन है, बसरते कि वो वेव किसी भी टाइम और एक्स के लिए इनफाइनाइट हाइट की ना हो। ये फंक्शन नॉट इक्वल टू इनफाइनाइट फॉर एनी एक्स टी। जैसे मुझे बताओ एक्स टी की कुछ भी वैल्यू हो, तुम जीरो भी रख दो, तो भी क्या ये इनफाइनाइट होगा? नहीं होगा। कुछ और सोच के देखो, क्या ये इनफाइनाइट हो सकता है? नहीं होगा। अगर ये टू ना होता तब हो जाता, तो उसको हम प्रोपोगेटिंग वेव नहीं बोलते। यानी वाई एक्स टी अगर तुम्हें ये लिखा होता वन अपॉन एक्स माइनस थ्री टी स्क्वायर, तो लुक तो वही है, मगर ये प्रोपोगेटिंग वेव इक्वेशन नहीं है, क्योंकि x बराबर जीरो और t बराबर जीरो पे y क्या हो जा रहा है? इनफाइनाइट। ये संभव नहीं है। यानी ये क्या नहीं होना चाहिए? इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? कि एक ऐसी लहर जो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक असर पैदा कर सकती है, तो वो वेव प्रोपोगेट नहीं कर सकती है, क्योंकि चाहे जितनी एनर्जी हो इनफाइनाइट चीजों को, इनफाइनाइट मीडियम को ऑसिलेट एक साथ नहीं करा सकती है। तो अब देखो यार, मैं अब जनरल बात पे आ गया हूं, अब साइनोसाइडल से हम ऊपर उठ चुके हैं। साइनोसाइडल भी इसी लूप में लाया जा सकता है, और कोई और भी वेव हो सकती है जो इसी लूप में हो सकती है, बस ये लूप मैच करना चाहिए। अब मैं साइनोसाइडल नहीं बात कर रहा हूं, अब मैं ट्रांसवर्स मीडियम वेव इन स्ट्रिंग, धागे के अंदर मीडियम वेव की बात कर रहा हूं, और वो ना कंटिन्यूअस हो जरूरी है, ये भी जरूरी नहीं वो कंटिन्यूअस हो, और ना साइनोसाइडल होना जरूरी है। अब मैं और जनरल बात कर रहा हूं, और जो हमने साइनोसाइडल पढ़ी है वो इस कैटेगरी में फिट होती है। तो इस बोर्ड में जो लिखा है वो ज्यादा जनरल है, या पिछले दो घंटे से जो हम पढ़ रहे थे वो ज्यादा जनरल है? ये ज्यादा जनरल है, और ज्यादा जनरल है तो नीट के ज्यादा काम का नहीं है। बस लुक मैच कराना तुम्हें आना चाहिए। कई बार यही पूछा जाता है, बताओ ये वेव इक्वेशन है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर थ्री देखें जरा, नोट कर ले, नोट कर ले, नोट कर ले। चलो एक मिनट के लिए देखें, ये चार इक्वेशन दे रखी मैंने, इनमें से कौन वेव इक्वेशन है कौन नहीं है, ये वेव इक्वेशन है या नहीं है? है। फोर कॉमन ले लोगे तो टी माइनस एक्स बाई वी वाला लुक ला सकते हैं, ये है कि नहीं है? है। ये है कि नहीं है? फोर कॉमन ले लो तो टी प्लस एक्स बाई वी वाला लुक नहीं आ जाएगा?
आ जाएगा, लुक तो आ जाएगा, मगर टी जीरो और एक्स जीरो पे इनफाइनाइट, इसलिए नहीं है, यानी ए और बी दोनों करेक्ट है। क्या बात समझ पा रहे हैं? नोट कर ले पूरा। क्वेश्चन नंबर टू देखें जरा, शीट में दिया है, इसमें भी दिया है, वही क्वेश्चन है। बराबर जीरो पे कोई फंक्शन था वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये कोई तरह का डिस्टरबेंस है टी बराबर जीरो का, टी टाइम बाद वही डिस्टरबेंस क्या हो गया है वन अपॉन वन प्लस किस टी बराबर दो सेकेंड पे क्या हो गया है एक्स माइनस वन स्क्वायर। तो क्वेश्चन पूछा है वेलोसिटी ऑफ द वेव क्या होगी,
वेलोसिटी ऑफ वेव यहां कहां मिलेगा? अगर कोई फंक्शन x का होता है तो जहां x लिखा होता है कुछ टाइम बाद t बराबर t टाइम बाद वहां क्या हो जाता है? x प्लस माइनस vt हो जाता है। अभी अभी पढ़ा है हम लोगों ने ये लुक। तो क्या 2 सेकंड बाद वो लुक ऐसा लिखा गया है? कुछ और बोलने की जरूरत है? तो t बराबर 2 डालने के बाद ये क्या बनेगा? 2v। और यहां वो क्या लिखा है? तो v बराबर कितना आ गया? बस समझ में आ गई है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर है? समझ में आया क्या बात हुई है? कोई एक धागे का सेगमेंट अगर टी के खिंचाव पे है और वहां कोई वेव ट्रेवल करेगी वी की स्पीड से, तो उसकी वी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट टी बाई म्यू। म्यू क्या है? ये पहली बार आ रहा है। एक्चुअली म्यू है मास पर यूनिट लेंथ। ये टर्म पहले भी आ चुका है, मास पर यूनिट लेंथ, जिसको हम बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी। उस समय हम लेमडा से डिनोट करते थे, लेकिन अभी म्यू बदल दिया है इसलिए क्योंकि लैम्डा से हम वेवलेंथ डिनोट करने लगे, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो म्यू यहां क्या है? मास पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ऑफ स्ट्रिंग धागे का मास पर यूनिट लेंथ है। और टी क्या है? टेंशन ऑफ स्ट्रिंग, धागे का खिंचाव टेंशन और उसका मास पर यूनिट लेंथ, दो चीजें तय करेंगी कि वेव कितनी स्पीड से चलेगी। यानी अगर मैं कह दूं कि एक पतला धागा है और एक मोटा धागा है, ये भी टी के टेंशन में है और ये भी टी के टेंशन में है, तो बता यहां पल्स बनी है वो वी वन से चल रही है और यहां जो पल्स चली है वो वी टू चल रही है। वी वन ज्यादा होगा या वी टू ज्यादा? वी वन ज्यादा या वी टू ज्यादा? ये थिन वायर है और ये थिक स्ट्रिंग है, ये थिक स्ट्रिंग है, तो बता कहां वेव की स्पीड ज्यादा होगी? हाँ, वी वन। क्यों? क्योंकि इसका म्यू इसके म्यू से कम है, तो वी वन वी टू से ज्यादा होगा। फॉर्मूला है, टी सेम है। क्या जनता समझ पा रही? और जहां टी ज्यादा होगा वहां स्पीड ज्यादा होगी। क्या जनता समझ पा रही है? अब मैं यहां पे थोड़ा सा फॉर्मूले में कुछ मॉडिफाइड फॉर्मूला बता रहा हूं। एक धागा जिसका एरिया ए है, लेंथ एल है, उसका मास मैं दो तरीकों से लिख रहा हूं। तरीका बदला, मास उसी का है। अगर मुझे इसका म्यू केजी पर मीटर पता है तो बताओ एल लेंथ का मास कितना होगा?
म्यू एल, म्यू पर यूनिट लेंथ कहते हैं लेंथ का। अब मैं कह रहा हूं इसका मुझे रो केजी पर मीटर क्यूब पता है, तो मास कैसे लिखोगे? रो इंटू एल सबको पता है, होता है कि नहीं? अरे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो यार एल से एल कट गया, म्यू इक्वल टू क्या आ गया? रो ए। मतलब मैं इस फॉर्मूले का एक और लिमिट लिखने वाला हूं, अंडर रूट टी बाई रो ए। क्या म्यू और रो इस तरह से रिलेटेड है? ये तुम जब चाहो निकाल सकते हो म्यू और रो में रिलेशन। एक थिन वायर है जिसको एम मास के ब्लॉक से टेंशन दिया गया है। मुझे बताओ इस जगह पर, इस जॉइंट पे कितना टेंशन होगा? इस जगह पर एम जी और इस जगह पर एम जी, हर जगह पर। क्यों? क्योंकि इस वायर का अपना मास निग्लिजिबल है, थिन वायर है तो उसका अपना मास ठीक है। तो मैं कहूं कि एक वेव पल्स मैं यहां क्रिएट करता हूं, वो धीरे धीरे नीचे से ऊपर जाएगी, तो यहां स्पीड, यहां स्पीड, यहां स्पीड सब जगह सेम होगी, क्योंकि धागा का म्यू भी सेम है। नहीं क्या इसमें ग्रेविटी का फर्क नहीं पड़ेगा? क्या ये बी वन बी टू और बी थ्री ऑफ द वेव सेम होगा या अलग अलग? सेम होगा, क्योंकि यार ये कोई मीडियम थोड़ी ऊपर जा रहा है, ये एनर्जी ऊपर जा रही है और उसकी स्पीड का लेना देना केवल और केवल टी और म्यू से है। तो टी सब जगह सेम है, म्यू पूरे धागे का एक जैसा है, तो स्पीड ऑफ द वेव सेम रहेगी, नीचे से ऊपर जाते समय सेम रहेगी। वी वन वी टू वी थ्री सब सेम होगा और पता है कितना होगा? अंडर रूट एम जी बाई म्यू, जहां mg ये टेंशन क्रिएट करने वाला था और म्यू इस धागे का दिया होगा म्यू के जी पर मीटर। क्या जनता समझ पा रही? अगर ये l लेंथ का धागा है, कोई पूछे बताओ नीचे से ऊपर वेव जाने का समय बताओ यार। टाइम टू रीच वेव पल्स, अ वेव पल्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप कैसे निकालोगे? तो समय बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यूनिफॉर्म मोशन है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगा है। डिस्टेंस कितना है? L और V कितना है? ये दो क्वेश्चन यहां पूछे जा सकते हैं।
एक वायर है, मैं पूछूं इस जगह टेंशन, इस जगह टेंशन सेम होगा या अलग अलग? यहां तो जीरो के बराबर होगा, यहां पूरे वेट के बराबर होगा, तो इसका टेंशन लगातार चेंजिंग है। तो यार टेंशन नीचे से ऊपर इज इंक्रीजिंग बॉटम टू टॉप, और अगर टेंशन बढ़ रहा है हेंस वी के बारे में क्या कहोगा? इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। यानी यार वेव की स्पीड, नीचे अगर कोई पल्स जनरेट कराई गई है तो उसकी स्पीड कम होगी, ऐसा कोई वेव की पल्स यहां जनरेट कराई है तो इसकी स्पीड v1, और यहां जब वेव पल्स पहुंच जाएगी v2 तो कहां ज्यादा होगा? v2 v1 से ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि t2 t1 से ज्यादा है। क्या बात समझ में आ रही है? अब मैं एक जनरल x दूरी पे t पता करना चाहता हूं, जनरल x दूरी पे, इसका म्यू केजी पर मीटर दिया है, क्या दिया है? मास पर यूनिट लेंथ। मैं इस जॉइंट पे टेंशन पता करना चाहता हूं, तो इस जॉइंट पे टेंशन करने वाला क्या इतना वेट है कि नहीं है? पता है इस जॉइंट पे टेंशन एट x बराबर x फ्रॉम बॉटम क्या होगा? इतने हिस्से का मास, और वो होगा म्यू एक्स इंटू जी। क्या जस्टिफाइड है कि नहीं है? अरे म्यू पर यूनिट लेंथ का मास है, तो एक्स लेंथ का मास क्या हो गया? म्यू एक्स इंटू जी। किस बात पे किसी को आपत्ति है? अब मैं पूछूं यार स्पीड ऑफ वेव क्या होगा? तो स्पीड ऑफ वेव तुमने क्या पढ़ा है? अंडर रूट टी बाई, तो ये कितना आ गया यार? म्यू एक्स जी बाई म्यू। स्पीड कितना आ गया? अंडर रूट एक्स जी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट आया यार। क्या स्पीड कॉन्स्टेंट है या फंक्शन है? जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे v बढ़ेगा, नीचे से जितना ऊपर जाएंगे वेव की स्पीड उतनी बढ़ती जाएगी। तो क्या वेव का मोशन यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म। पिछली बार कैसा था? यूनिफॉर्म, क्योंकि टेंशन पूरे में एक जैसा था। ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन आ गया है, और उसका एक फंक्शन हमें मिल गया है, v एज ए फंक्शन ऑफ x। इतनी बात पहले समझ लें, कोई दिक्कत है तो बताएं। क्यों सारा इक्वल होगा? इसका अपना वेट भी तो कंसिडरेबल है, थिक वायर है ये, तब नीचे भी टेंशन कुछ ना कुछ होगा और ऊपर उससे भी। जैसे कोई ये, तुमने ये कहा कि इसका भी वेट है और इसका भी वेट है, इसका भी म्यू वन केजी पर मीटर है, तो क्या जनरल एक्स दूरी पे अगर तुम टेंशन लाओगे तो क्या होगा? एम टू जी तो होगा ही प्लस, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एम टू जी प्लस म्यू एक्स जी डिवाइड बाई म्यू। ये भी डिस्कशन हो सकता, अगर ये मास और ये मास सेम है तो डबल हो जाएगा। मैंने कब कहा सेम है? अलग अलग है तो फिर कुछ अलग और होगा। ये केस थ्री हो सकता है जिसमें थिक वायर विद हैंगिंग वेट है। ये क्या है? थिक वायर विद हैंगिंग वेट। तो यार मैंने इस कहानी में अभी और बात करना थी, स्पीड एज ए फंक्शन ऑफ एक्स आ गया है। अब तुम याद करो जरा काइनेमेटिक्स में, अगर हमें कोई भी एक फंक्शन पता हो तो बाकी के फंक्शन तुमसे निकलवाए जा सकते हैं। अगर v एज ए फंक्शन ऑफ x पता है तो तुम चाहो तो x एज ए फंक्शन ऑफ t में पहुंच सकते हो, तुम चाहो तो उसका एक्सेलेरेशन निकाल सकते हो। तो ज्यादा नहीं, मैं तुम्हें केवल एक्सेलेरेशन निकाल के दिखा रहा हूं। अच्छा x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लाना है तो पता है क्या करोगे? v को dx by, चलो मैं बता देता हूं, v को dx by dt लिखोगे, रूट एक्स रूट जी, फिर रूट एक्स इधर ले आओगे और रूट डी टी इधर मल्टीप्लाई करोगे, फिर दोनों तरफ इंटीग्रेशन करोगे,
तो ये किसका रिलेशन आ जाएगा, एक्स और पी का रिलेशन आ जाएगा। चलो तुम्हें पता है एक्सेलेरेशन, मैं इसी डिस्कशन में बात कर रहा हूं, वी डीवी बाई डी एक्स होता था। ये मैं क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि एक्स का फंक्शन है, तो v को मैं क्या लिख दूं, अंडर रूट एक्स जी। कोई मुझे बताएगा dv by dx क्या आएगा इसका? हाफ x की पावर माइनस वन बाय टू। तो ये पता है कितना आ गया है, वन बाय टू रूट एक्स रूट जी। और भाई रूट जी तो ऊपर ही है, और ये x की पावर माइनस वन बाई टू को नीचे ले जाके लिख सकते हैं कि नहीं, ये रूट एक्स कैंसिल, रूट जी कैंसिल, ये आंसर पता है कितना आ गया, ये फाइव आ रहा है यार, सॉरी, रूट जी कितना हो गया, जी, यानी कितना आ गया यार। ये बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर है, इसलिए लोग इसको याद रखते हैं कि धागा कोई भी हो, अगर वो सेल्फ विदाउट हैंगिंग वाला मामला है तो उससे जो एक्सेलेरेशन निकल के आता है वो एक नंबर निकल के आता है। इसलिए इंटरेस्टिंग बात हो गई कि एक्सेलेरेशन कांस्टेंट आता है। ये नहीं बताओ, ये वेव जो चल रही है ना, इसलिए वो जो हमने तीन इक्वेशन डायनामिक्स पढ़ी वो सारी वैलिड है। v बराबर u plus at, s equal to u plus half t square, v square equal to u square plus, क्योंकि इसका एक्सेलेरेशन क्या आ गया है, कांस्टेंट आ गया है। ये केस टू ही चल रहा था भाई, ये केस टू का ही डिस्कशन है। नोट कर लिया भाई, पावर का मतलब होता है एनर्जी पासिंग पर यूनिट टाइम। क्या बताओ, जब हम वेव में एनर्जी प्रोपोगेशन की बात करते हैं तो वो धागे के थ्रू एनर्जी आगे बढ़ रही है कि नहीं, तो पर यूनिट टाइम कितनी बढ़ रही है उसी को हम क्या बोलते हैं, पावर। आमतौर पे हम इस टॉपिक में एवरेज पावर की बात करते हैं, एक नाम में डिफाइन करने वाला हूं, इंटेंसिटी। पावर का डिस्कशन यार टाइम का फंक्शन होता है और थोड़ा अजीब होता है। हेलो,
यस मैम। नहीं, प्रवीण गुप्ता जी। जी 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 वो किस चीज का वेरिफिकेशन है? ईएमआई का ईसीएस उन्होंने कर रखा है और हमारे पास बैंक से मैसेज भी आ गया है। और ईसीएच का मैसेज हमें आ चुका है एचडीएफसी की तरफ से। एक्चुअली हुआ क्या है कि सारा उन्होंने 1.5 घंटा बैठ के जिन्होंने हमसे किया लिया था उससे ओटीपी सब डाला था, मैसेज आ गया था, कॉन्फर्मेशन था, तो हम ये रिस्क नहीं ले सकते। बैंक का मुद्दा है, हम बार बार किसी को ओटीपी नहीं शेयर कर सकते, ये अब हम नहीं अगर कोर्स को विड्रॉ कर देंगे क्योंकि हम रिस्क नहीं ले सकते। हमने उस दिन 1.5 घंटे ये पूरा प्रोसेस किया था। अच्छा तो वो हमने फोन पे परसों मोहन पे वेरीफाई किया है, परसों किसी का कॉल आया था मैंने वेरीफाई किया था। दिया गया है लेकिन ऐप में क्या देख रहा हूँ उसमें 10th मेंशन नहीं है। जी रोज रोज बहुत जी 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 हाँ तो आप मुझे क्या इन्फॉर्मेशन देना है पूछिए। अच्छा मुझे एक क्वेश्चन था, मेरा ये ओरिएंटेशन सैटरडे को हो पाया है, मैं आपको स्टेशन था तो इस सैटरडे और जो एजेंट था वो मेरा फोन नहीं उठा रहे, एजेंट मेरा फोन नहीं उठा रहे, तो जो भी है अपना अपना एजेंट बदल दीजिए हमारा जो असाइनमेंट। सेंटर का हेल्पलाइन नंबर व्हाट्सएप पर दीजिए। ठीक 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 तो पावर का मतलब एनर्जी पासिंग और इंटेंसिटी का मतलब एवरेज पावर पर यूनिट एरिया होता है। मतलब अगर ये एनर्जी इस ए एरिया के थ्रू इधर से आगे वाले मॉलिक्यूल को ट्रांसमिट हो रही है तो पर यूनिट एरिया एनर्जी कितनी होगी, वो पावर बाय इंटेंसिटी होगा। ये सबको पता है इंटेंसिटी और पावर कैसे रिलेटेड होते हैं।
तो आई बराबर पी बाई ए या पी बराबर क्या लिख सकते हैं, आई ए, कोई भी एक याद रखे दूसरा याद रहेगा। अब आई का मीडियम डिपेंडेंस एक फॉर्मूला है, आई का एक फॉर्मूला है वो हमें याद रखना है, वो होता है हाफ ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर रो बी। ये बेस्ट लुक है जिसपे हम ये याद रख सकते हैं। तो क्या अगर इंटेंसिटी पता चल गया तो कल को कोई तुमसे पावर का पूछे तो बस तुम्हें क्या कर देना, इसमें एरिया और इसमें भी सबसे मेन बात क्या है, क्या बता, रो और वी ये किस पे डिपेंडेंट चीजें हैं, रो धागे पे, धागे के मीडियम पे, और वी भी मीडियम पे ही डिपेंड करता है। तो ये दोनों पैरामीटर मीडियम डिपेंडेंट है। मीडियम डिपेंडेंट मतलब कि अगर धागे की कोई पैरामीटर बदला जाएगा, स्पीड और रो तब बदल जाएगा। ए और ओमेगा ये सोर्स ऑफ ऑसिलेशन से रिलेटेड है, मतलब जब भी हम किसी धागे में वेव जनरेट कराना चाहते हैं तो हम एक ट्यूनिंग फॉर्क को ऐसे आगे पीछे ऑसिलेट करते हैं तो उसके अंदर क्या जनरेट हो जाता है, ऐसी वेव जनरेट हो जाती है, ऐसी वेव जनरेट होती है। अगर ट्यूनिंग फॉर्क का ऑसिलेशन स्लो है तो एम्पलीट्यूड भी कम आएगा, ट्यूनिंग फॉर्क बड़े बड़े ऑसिलेशन कर रहा है तो इसका एम्पलीट्यूड भी, ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी कम है तो इसकी भी फ्रीक्वेंसी, ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो, यानी ए और ओमेगा दो पैरामीटर हैं जो किस पे डिपेंड करते हैं, सोर्स पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हमें पता होना चाहिए। इस पे डायरेक्टली सीधे सीधे प्रोपोर्शनलिटी वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, सीधे सीधे आई वन आई टू का कंपेरिजन वाले क्वेश्चन, वो तो कभी किसी के साथ भी आ सकते हैं। तो अभी तुम लोगों को पूरे क्वेश्चन इसके करना है, अप टू 34 सारे क्वेश्चन इसके करके आना है। अगली क्लास में हम लोग सुपर पोजिशन प्रिंसिपल करेंगे। मिली क्लास मिस मत करो यार, टॉपिक पूरा पूरा पढ़ो, फिर पूरी पूरी यूनिट छोड़ दो, कम से कम पढ़ो तो पूरा पढ़ो, तो वीडियो से पढ़ो।